हम अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी के बाल में पेंसिल या पेन छुपाने को ट्राई किए होंगे, लेकिन किसी ने अपने बियर्ड में छुपाने का ट्राई किया है। पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको भी अवार्ड देता है जो एक काम को डिफरेंटली करते हैं या फिर उनके जैसा और कोई नहीं कर सकता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिहोवाल। मैं हूँ एलेक्स एंड मैं हूँ जॉर्ज। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बिजार वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखेंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जोएल स्ट्रासर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए 3500 टूथपिक्स अपने बियर्ड में लगा के। ये टूथपिक्स लगाने में इनको 3 hours 13 minutes लगा। पेशेंस। ये सब ठीक है पर इसे निकालेगा कैसा? ये अपने हेड को शेक करके इसे निकालते हैं। फास्टेस्ट टॉकिंग मैन बोलते ही आपके माइंड में कौन आता है? Eminem, Tupac जैसे रैपर से याद आते हैं। पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शॉन शैनन होल्ड करते हैं 1995 में 1 मिनट में 655 वर्ड्स पढ़ के वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट टॉकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। That's a question I didn't know with my stuff. Listings and hours of outrageous fortune, no take arms against to see if troubles my posing in them to die, to sleep no more, by sleep to say, we am the heart of 1,000 natural shocks of flesh, to dread, to scum, spades, and doubly to wish. To die, to sleep, to sleep, a change dream, others, a referee in that sleep, death, which in the coming of shift off this mortal coma's gives pause. There's the spectrum, his calamity in life. For this incorrigible time, the present round, the prams can to me, the pangs, the slides, love, the loss, delay, the insults, and the spurns, the patient matter, the days, when some must quest mate with the bug, rock, gun. Who fires the better, gotten to where you left, that are dressed, signed, death, the end is covered country, with no returns, paddles the will, makes it bearless as we have in the fondue enough. This conscious demon covers it all, this native view, the sequel, the pecus, the enterprise, great pith moment, this. एक एवरेज ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा तेज बोलते हैं। पर फिर भी स्टार प्लस के शो स्टार्टिंग के डिस्क्लेमर को ये हरा नहीं पाएगा। चलो ना हम ट्राई करके देखते हैं। तुम लोगों का बोलने का स्पीड पहले से ही स्लोथ जैसा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। At sight an angel has been a tailor believed a flight would have landfall with a Pura close depending on the force. आप रात में अकेला चल रहे हो और कोई डायन की तरह पैर उल्टा करके खड़ा है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? लंदन के मैक्सवेल डे अपना पैर को बाहर की तरफ 157 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनका पैर उल्टा है। खैर ये बड़ा क्रीपी रिकॉर्ड है। अब अगले रिकॉर्ड की तरफ जाते हैं। आपने ये मूवी देखा होगा फैंटेसी फुल। उसमें एक कैरेक्टर है, उसका नाम है रबर मैन। उसका बॉडी पूरा इलास्टिक है, उसका स्किन भी स्ट्रेचेबल है। ऐसे असल लाइफ में भी एक रबर मैन है। गैरी टर्नर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं स्ट्रेचिएस्ट स्किन के लिए। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम अपना पेट का स्किन 6.25 इंचेस तक स्ट्रेच किए। इन्हें एक कंडीशन है एलर्स डैनलर्स सिंड्रोम। ये कंडीशन उनका स्किन को इतना स्ट्रेचेबल बना देता है। हम भी ट्राई करते हैं। हाँ आपने डायमंड नेकलेस देखा होगा, आपने डायमंड रिंग भी देखा होगा, क्यों आपने डायमंड स्टडर फोन भी देखा होगा। क्या आपने कभी डायमंड स्टडर टॉयलेट देखा है? इतना पैसा, इसके पास जरूर तेल का कुआं रहेगा। तेल का कुआं नहीं, ज्वेलरी का दुकान है। चाइना के एरोनसन ज्वेलरी ब्रांड ने एक स्टनिंग टॉयलेट सीट 40,000 डायमंड प्लेस करके बनाया और बाकी का कमोड सारे गोल्ड से बनाया है। इसका एस्टिमेटेड वर्थ है $1.3 million, यानी 9,58,00,000, यानी लगभग 10 करोड़। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और इसे कोई खरीदने नहीं आया, इसलिए इसे म्यूजियम में रख दिए ताकि सब एंजॉय कर सकें। शायद अंबानी इसे अफोर्ड कर गए, हमारी बस की बात नहीं है। हम सब इंजेक्शन लेने से डरते हैं, लेकिन एलन डेविडसन को इंजेक्शन लगवाना सब छोटा सा काम है, क्योंकि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पियर्सिंग उनका पास ही है। उनके बॉडी में 462 पियर्सिंग्स है,
उनमें से 192 तो सिर्फ उनके फेस में है। ये तब की बात है जब इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मई 2000 में। फिर वापस उन्होंने 2001 अगस्त में एग्जामिन किए। फिर उसके हिसाब से 2020 में ना जाने उनके बॉडी में कितना पियर्सिंग होगा। हमारा लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया होगा जब इचकी कुछ भी कर लो जाती नहीं है। हम पानी पीकर देखे होंगे, सांस को रोक के देखे होंगे। एक कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है हमें। पर इमेजिन करो 68 इयर्स तक हिचकी जाए ना तो। चार्ल्स ऑसबोर्न 1922 में एक 150 किलो पिग को एक बार में लटकाने जा रहे थे, तब वो नीचे गिर गए और उन्हें कुछ फील नहीं हुआ। पर देखा तो हिचकी चालू हो गया। जब वो डॉक्टर को दिखाए तब डॉक्टर्स ने कहा उनके ब्रेन का एक वेसल ब्लास्ट हो गया जिसका रिएक्शन हिचकी है। एक मिनट में उन्हें 40 हिचकी आता था एवरेज। फिर वो धीरे धीरे 20 पे आ गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया सोते वक्त उन्हें हिचकी नहीं आती, थैंक गॉड, वरना उनके चैन की नींद भी प्राप्त नहीं हो पाती। 1990 में फाइनली उनका हिचकी रुक गया था। फिर 1991 में अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया। बेचारे वो उनका लाइफ का एक साल भी बिना हिचकी का एंजॉय नहीं कर पाए। आज तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऐसे सिमिलर कंटेंट देखना हो तो। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए।